हाँ जी बेटे, आज लेक्चर से आप करेंगे टेंजेंट ते नॉर्मल दी क्वेश्चन हाइपरबोला थे, ठीक है। द थ्योरी पार्ट कवर करते हैं, तो लेट अस बिगिन। हाइपरबोला पुत्र, साढ़े को एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो सब तो पहली चीज़ आप की करते होंगे कि जब आप हाइपरबोला के बेसिक्स पढ़ लेते, आप आवेंगे वो उपर एनी वेरिएबल पॉइंट, ठीक है। कोई भी अगर आप पॉइंट लेना है इस हाइपरबोला से, सो दैट इज द फर्स्ट नोट के एनी पॉइंट ऑन दिस हाइपरबोला कैन बी टेकन एज ए सेकेंट थीटा कॉमा बी टेन थीटा, ठीक है। ना इलिप्स के ऊपर से ना ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो इदा ही थीटा दिया अलग अलग वैल्यू अगर आप रखा, कोई भी वेरिएबल पॉइंट आप लेना हो उपर, वी कैन टेक इट एज ए सेकेंट थीटा एंड वाई कोऑर्डिनेट इज बी टेन थीटा। तो दैट क्लियरली कैन बी चेक्ड कि अगर ये पॉइंट फॉर डिफाइंड वैल्यूज ऑफ थीटा हाइपरबोला से लाई करता है तो ये पॉइंट नु सेटिस्फाई करेगा। चेक कर लो, हाँ जी, एक्स की वैल्यू किनी है, एक्स कोऑर्डिनेट ए सेकेंट थीटा, हाँ जी, इतने पुट करो ए स्क्वायर सेकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाय ए स्क्वायर, एंड वाई किन्ना पुत्र बी टेन थीटा, इतने प्लग करो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। सो यू कैन इजिली सी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू वन, ठीक है। अभी वन के बराबर है, तो यदा मतलब ए पॉइंट फॉर ऑल डिफाइंड वैल्यूज ऑफ थीटा हमेशा एस कर्व ते लाई करता है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये हो गई कि जब भी आप कहे क्वेश्चन के आर टेक एनी पॉइंट ऑन दिस हाइपरबोला वी कैन चूज दैट पॉइंट टू बी ए सीकेंट थीटा बी टेन थीटा, एंड यू नो थीटा नू मैं पढ़ाया सी इलिप्स की कहते हैं, थीटा इज कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल, ठीक है, थीटा इज कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल, एंड थीटा दी रेंज जी लिख लो, थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, ठीक है, एक्सेप्ट पाई बाय टू ते 3 पाई बाय 2, ठीक है, क्योंकि टेन पाई बाय टू ते सीकेंट पाई बाय टू सिमिलर 3 पाई बाय 2 टेन डिफाइंड नहीं होंगे, तो इन्होंने दोनों छड़ के थीटा लाई करेगा 0 to 2 पाई, ठीक है। अच्छा, एक एडिशनल चीज़ मैं दस दिना कि समटाइम्स बच्चों ने क्यूरियोसिटी होंगी कि क्योंकि इलिप्स तो ऐदा होंगे ना पुत्र कि अगर आप इलिप्स बनाया तो वेरिएबल पॉइंट लिया आप ए कॉस थीटा तो बी साइन थीटा, अगर आप थीटा लीए 0, ठीक है, थीटा 0 लो, हाँ जी, कॉस 0 1 आ 1 हो गया, साइन 0 0 0 हो गया, पॉइंट आ गया ए कमा 0, ठीक है। 0 डिग्री लीए इथों शुरू होंदा है पॉइंट, तो 0 तो लैके पाई बाय 2 तक, इतों लवान 0 तो पाई बाय 2 के विच कोई एंगल लेंदे सी तुसी तो पॉइंट थोड़ा इतें लाई करता सी, ठीक है, कितना कितने लाई समवेयर देयर, मान लो थीटा 30 डिग्री लिया तो इतें कोऑर्डिनेट कितने आएगा, ठीक है। तो 0 to 90 से पॉइंट लेंदे सी, थोड़ा एंगल लेंदे सी पॉइंट आता सी इतें, फिर एस ब्रांच से या एस पार्ट से अगर कोई पॉइंट सिगा तो वो थीटा लाई करता सी 90 to 180, है ना, पाई बाय 2 to पाई, एंड सिमिलरली इतें पाए तो लैके 3 पाई बाय 2, तो इतें अगर कोई पॉइंट चाहिए सी तो 3 पाई बाय 2 to 2 पाई दे विच अगर कोई एंगल लेंदे सी इतें रखते सी तो पॉइंट इतें कितने आना सी, तो इदा पूरा एक सर्कल साडा कंप्लीट हो जाता सी। ए थोड़ा जिहा फर्क है, सो दिस इज जस्ट द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिम्मे मैं कही है कि अगर एस वाली ब्रांच जी आ वाली ब्रांच पार्ट कह लो, एस पार्ट के उपर अगर एंगल अपना पॉइंट लेना है, बैग पार्डन, जो थीटा है पुत्र स्टार्ट करो 0 तो लोगे तो इतने आएगा, इतने थीटा 0 पुट करो, सीकेंट 0 1 आ गया ए, टेन 0 0 आ हो गया 0, ए कॉमा 0 इतने आ गया, तो 0 तो लैके पाई बाय 2 तक कोई भी एंगल लोगे तो थोड़ा पॉइंट एस ब्रांच से आएगा या एस पार्ट से आएगा, ठीक है। एंड जिदे तुसी पाई बाय 2 वाल जाओगे टेन पाई बाय 2 ते यू नो सीकेंट पाई बाय 2 इनफिनिटी, तो इदा उपर नू इनफिनिटी वालों जा रहा है, एक्स वधाई जाओगे वाई वधी जाएगा, तो मुख दी गल कि अगर एस पार्ट दे उपर कोई पॉइंट लिया है तो ओड़ा एंगल है वो 0 तो लैके पाई बाय 2 दे विच होएगा, ठीक है। अच्छा, हुण इंट्रस्टिंग है इत्थे कि वट इफ पाई बाय 2 तो 180 दे विच एंगल लईए, हाँ जी, एक बार जवाब दो, जनरली बच्चे आंसर करते सर इतने आ जाना, नहीं,
थीटा अगर तुसी 90 तो 180 दे बेच लेंदे हो, मतलब केड़ा क्वाड्रेंट हो गया 90 टू 180 पुत्र, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट च कोई भी तुसी एंगल लेंदे हो, आ एक्स कोऑर्डिनेट है या वाई कोऑर्डिनेट है, सिकेंट की होगा, सिकेंट ऑफ सम एंगल इन सेकेंड क्वाड्रेंट। हाँ जी, सिकेंट नेगेटिव होंगे क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट साइन ते कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। तो इहदा मतलब अगर थीटा तुसी 90 तो 180 दे विच लैंदे हो ते सिकेंट दी वैल्यू भी नेगेटिव आनी है ते टैन दी भी, ए बी ते पॉजिटिव ही है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव आना ते वाई भी नेगेटिव। हाँ जी, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, मतलब पॉइंट विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इहदा मतलब आ ब्रांच ते लाई करेगा। अगर थीटा दी वैल्यू 90 तो 180 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਲ ਲਾਈ ਔਨ ਦਿਸ ਕੁਆਡਰੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 0 ਤੇ ਇੱਥੇ, 0 ਤੋਂ ਵਧਾਉਂਦੇ 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 180 ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ 180 ਤੋਂ ਗਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਇੱਥੋਂ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 180 ਤੋਂ ਗਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ 90 ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਕਰਦੇ 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 ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਜਦ 180 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, सीकेंड 180 माइनस 1 ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ माइनस ए, टेन 180 0 ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਈ 180 ਤੋਂ 3 ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਐਂਗਲ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ, ਤੀਜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਐਂਗਲ 180 ਤੋਂ 3 ਪਾਈ ਬਾਈ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੈਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਕੋਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਤੋਂ ਅਗਰ एंगल ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ, ਤੇ ਆ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗੀ, ਸੀਕੈਂਟ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੈਗੇਟਿਵ, y ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, x ਨੈਗੇਟਿਵ, y ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਤੇ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 180 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 3 ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਤੱਕ ਐਂਗਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟ ਤੇ ਲਾਇਆ। एंड फिर इधरों जाके लास्ट फिर वही ऐसे, अगर 3 पाई बाय 2 तो लेके 2 पाई तक कोई एंगल लोगे और वो पॉइंट हमेशा फिर एस पार्ट ते किसी ना किसी पॉइंट नो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चौथा क्वाड्रेंट हो गया ना 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई, चौथे क्वाड्रेंट थीटा, मतलब चौथा क्वाड्रेंट में थीटा दी गल कर रहे हैं, आ थीटा दी। ठीक है, सो थीटा जब चौथे क्वाड्रेंट होएगा, सीकेंड ऑफ थीटा पॉजिटिव होएगा, है ना, चौथे सीकेंड पॉजिटिव होगा और टेन थीटा नेगेटिव होएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो दिस पॉइंट विल लाई समवेयर हेयर, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, तो बेसिकली आ जो सेगा अगर अलग अलग थीटा दियाँ वैल्यूज लाई कितने कितने लाई करेगा वो मैं थोनू समझाता है, बट जनरली उन्हें इन्ना कुछ मतलब ज़्यादा पूछना नहीं, उन्हें सीधा सीधा सवाल जो होंगे कि एनी पॉइंट ऑन द कॉनिक, दिस कॉनिक कैन बी टेकन एज ए सिकन थीटा एंड बी टेन थीटा, इज दैट क्लियर। सो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, वेरिएबल पॉइंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सैकेंड द लिप चप पढ़िया कि ऑगजिलरी सर्कल, है ना, सैकेंड लिख लो ऑगजिलरी सर्कल। ऑगजिलरी सर्कल हाइपरबोला च होंगे, द सर्कल ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस एज डायमीटर, उधर चुनता सी मेजर एक्सिस एज डायमीटर, इतने की है ट्रांसवर्स एक्सिस एज डायमीटर, आ ट्रांसवर्स एक्सिस का पुत्र वाले, तो ट्रांसवर्स एक्सिस नो एज ए डायमीटर बना के जिधर सर्कल बनाया जावे, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल। और यदि क्वेश्चन की होगी सेंटर 0 0, रेडियस ए, तो एस हाइपरबोला दा ऑक्सिलरी सर्कल की हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, आ सेकेंड पॉइंट हो गया पुत्र, और ऑब्वियसली ऑक्सिलरी सर्कल दे ऊपर कोई पॉइंट लेना हो तो की लैने आप, ए कॉस थीटा ते ए साइन थीटा, ते अगेन जिदा आप लिफ्ट पढ़िया सी कि एनी पॉइंट ऑन ऑक्सिलरी सर्कल ए कॉस थीटा ए साइन थीटा एंड एनी पॉइंट ऑन दिस हाइपरबोला ए सीकेंड थीटा कॉमा बी टेन थीटा। ठीक है, तो इन्हों आपस की नाम दिता से, दे आर कॉल्ड कोरसपोंडिंग पॉइंट, सो दीज टू आर कॉल्ड वट corresponding points, is that clear? तो इन्हों आप कहने पुत्र corresponding points, वे दो चीज़ा याद होनिया चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट पर आ जाओ, equation of tangent,
अच्छा एक चीज समझो कि एडी इलिप्स ते हाइपरबोला दी इक्वेशन है ना, लेट्स से या इलिप्स दी इक्वेशन है, तो इलिप्स दी इक्वेशन च उत्तर अगर मैं बी स्क्वायर दी जगह माइनस बी स्क्वायर रखदा है ना, सिंपली इफ आई चेंज इन द इक्वेशन ऑफ इलिप्स प्लस बी स्क्वायर दी जगह माइनस बी स्क्वायर, इफेक्टिवली मेरे को हाइपरबोला दी इक्वेशन आ गई है ना। तो इदा तुसी देखो कि बहुत सारे रिजल्ट जिहड़े आपां ऑलरेडी इलिप्स पढ़े है, सिंपली आप बी स्क्वेयर की जगह माइनस बी स्क्वेयर रख देंगे तो थोड़े को उही रिजल्ट सिमिलर हाइपरबोला च आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी आप इलिप्स के केस भी टेंजेंट ते नॉर्मल पढ़िया, तो बड़िया चीज़ें हम थोड़े लिए सौखियां हो जाए। ठीक है, एक बार क्योंकि आप उत्थे चंगी तरह पढ़ लिया। तो जिदा टेंजेंट की गल करते हैं, पहला टेंजेंट ले लो, लेट्स से एट द पॉइंट एक्स वन वाई वन, दैट यू नो दैट यू हैव डन कि अगर कोई पॉइंट दे ऊपर टेंजेंट चाहिए, अगर पॉइंट पता हो एक्स वन वाई वन, तो हाँ जी टेंजेंट दी इक्वेशन इज गिवन बाय टी इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर जगह एक्स एक्स वन एंड वाई स्क्वायर जगह वाई वाई वन। तो आ टेंजेंट दी इक्वेशन आ जाएगी किसी वेरिएबल पॉइंट या किसी पॉइंट एक्स वन वाई वन पर। सेकेंड एट द पॉइंट थीटा ले लो, है ना, एट सेंटरिंग एंगल थीटा, थीटा की पॉइंट है पुत्र, ए सीकेंट थीटा ते बी टेन थीटा। तो याद रखो तो किसी वेरिएबल पॉइंट या किसी भी पॉइंट के उपर थीटा ते टेंजेंट की इक्वेशन की होगी, हाँ जी अगेन आ थोड़ा एक्स वन है आ वाई वन, सो एक्स स्क्वायर जगह एक्स एक्स वन, हाँ जी कितना हो गया एक्स स्क्वायर जगह रखा है कि ए सीकेंट थीटा इंटू एक्स, तो ए सीकेंट थीटा इंटू एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस वाई की जगह वाई बाय वन वाई स्क्वायर जगह बी टेन थीटा इंटू वाई बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन। सो सिंपलीफाई करके थोड़े को आ कट्टा गया बी ना बी, तो इक्वेशन की आ गई एक्स सीकेंट थीटा बाय ए माइनस वाई टेन थीटा बाय बी इक्वल टू वन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट थीटा, थीटा मीन्स ए सीकेंट थीटा बी टेन थीटा। ठीक है, तो अगर कदे भी क्वेश्चन आता है कि यार पॉइंट लिया जी पी और वेरिएबल टेंजेंट ड्रॉ किया एंड सो ऑन, तो यू कैन स्टार्ट विद के लेट दिस बी द पॉइंट पी आ टेंजेंट है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को आप प्रोसीड कर लेंगे, अगर कोई लोकस वगैरह का क्वेश्चन आया थीटा नो एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो आ थोड़े को थोनों याद होवे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट। तो दो इक्वेशन एलिप्स सीगियां बेसिकली, एक टेंजेंट दी नॉर्मल दी इन टर्म्स ऑफ थीटा, दो थोड़ियां हाइपरबोला चाह जानी है याद रखनी है। ठीक है, सो तीसरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की सी पुत्र, तीसरी टेंजेंट दी इक्वेशन होंदी है एम स्लोप वाले टेंजेंट दी। ठीक है, टेंजेंट ऑफ स्लोप एम, तो हाँ जी की सी y इक्वल टू इलिप्स की सी एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर, उत्थे सी प्लस बी स्क्वायर है ना, और बी स्क्वायर की जगह की रख दो तुसी जिवें दस्या कि रिप्लेस बी स्क्वायर विद माइनस बी स्क्वायर, तो इत्थे अगर माइनस कर दिए तो तुहाडे को दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, किहड़ा आ वाला ऑफ स्लोप एम। ठीक है, एम स्लोप दा। ठीक है, ऑलरेडी मैं इलिप्स भी दस्या सी कि भी डिड अ होल वीडियोज कपल ऑफ वीडियोज ऑन दिस कि एम स्लोप दे टेंजेंट दी सिग्निफिकेंस ऑफ द यूजेज कितना सी, तो अगर स्लोप पता है तो टेंजेंट दी इक्वेशन से दी आ जाएगी, और दैट पॉइंट ऑफ कंटैक्ट सी पुत्र दैट वॉज इन केस ऑफ हाइपरबोला वॉज गिवन बाय ए स्क्वायर एम बाय सी एंड बी स्क्वायर बाय सी प्लस माइनस, इलिप्स हों सी माइनस प्लस। अगेन यू कैन चेक आउट द वीडियो ऑफ स्लोप एम वाले टेंजेंट दी, बट फिलहाल इक्वेशन याद हो गया वाली। ठीक है बेटे, सो अगर स्लोप पता है तो आप टेंजेंट की इक्वेशन कट सकते हैं। सो आ लाइन हमेशा इस हाइपरबोला नूं टच करेगी, एम चेंज करते रहोगे लाइन बदलती रहनी है ना, बट ये लाइन हमेशा की होगी हाइपरबोला नूं टच। एंड फॉर एनी गिवन स्लोप जब अगर ये टच करता है तो वो लिए की है कि थोड़े को दो दो टेंजेंट आएंगे उस स्लोप के, एक होएगा एम एक्स प्लस है ना, एक होएगा एम एक्स माइनस करके। ठीक है, जिदा अगर मैं थोड़ा थोड़ा जोमैट्रिकली दिखावा कि जिदा हम सपोज करो लच्छे स्लोप मान लो ये टू आ, ठीक है, इतने तो टू तो एक इधर आऊगा एक इस ब्रांच से तीजे क्वाड्रेंट भी इदा होगा, इदा होगा पैरेलल दो लाइना पैरेलल आनी है इदा। ठीक है, बाकी अगे एक टॉपिक आप करना एस एम टोट्स का, वो थोड़ा जोमैट्री यदि टेंजेंट्स की भी डिटेल डिस्कस होगी, बट फिलहाल ये याद रखो कि अगर स्लोप पता है
देन वी कैन गेट द क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट एंड और अगर लोकस वोकस का क्वेश्चन है कोई तुसी एस इक्वेशन नु पिक कीता है तो उच एम तुसी इलिमिनेट करोगे राइट एंड चौथा पॉइंट नेक्स्ट के डायरेक्टर सर्कल डायरेक्टर सर्कल हुंदा पुत्र के लोकस ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज हाँ जी केड़ा लोकस जिथों दो टेंजेंट ड्रॉ किते आ किनू हाइपरबोला नू और उन्हां च एंगल किन्ना होवे 90 डिग्री इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इदा ठीक है दो टेंजेंट एंगल 90 डिग्री होवे तो जिहड़े सारे पॉइंट आ जिन्हां ते आ आपां पिक करांगे कि एंगल 90 डिग्री होवे दैट लोकस इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल की है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाँ जी लिप्स की सी आ वाली तो की करिए बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दिया इतने सो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आए ठीक है तो क्लियरली तुम देख सकते हो कि इतने तद ही एग्जिस्ट करेगा अगर ए बी तो वड्डा है ठीक है क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तद ही आ पॉजिटिव आएगा ना मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई बी की 5 आ गई तो आते फिर थोड़े को नैगेटिव आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नैगेटिव मतलब कुछ भी नहीं कोई पॉइंट नहीं होएगा तो ये तद ही एग्जिस्ट करेगा इफ द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर दैन द वैल्यू ऑफ बी और एक कहो जहा लोकस है मतलब जो मैं अगर एग्जाम्पल लावा मैं कहवा यहाँ एक हाइपरबोला है ठीक है तो यह डायरेक्टर सर्कल की है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आ सर्कल आ गया तो ये सर्कल यहो जहा आया वाला कि ये तो कोई भी पॉइंट लोगे तुम दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे हाइपरबोला तो उन्होंने एंगल कितना होएगा 90 डिग्री होएगा सो ये कहना पावे तो अगर मान लो इतने हाइपरबोला होंगे आ लच्चे आ 4 से 30 तो हूँ आडे को नैगेटिव आ गया है ना ठीक है -26 तो यदा मतलब होगा कि इस हाइपरबोला दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रा करने वाला लोकस तो कुछ आ ही नहीं रहा यदा मतलब इस हाइपरबोला दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कभी भी ड्रॉ नहीं हो सकते किसी पर्टिकुलर पॉइंट तो इज दैट क्लियर तो ये हो गया बेटे थोड़े को इक्वेशन हाँ जी एक बार फिर देख लिए टेंजेंट की इक्वेशन एट एनी पॉइंट आ थोनों पता है और वेरिएबल पॉइंट आ लेना सीखे वेरिएबल पॉइंट टेंजेंट की इक्वेशन आ याद हो मैं बार बार कह रहा याद हो सीकेंट थीटा बाय एक्स सीकेंट थीटा बाय ए माइनस वाई टेन थीटा बाय बी इक्वल टू 1 एट दिस पॉइंट ठीक है और अगर स्लोप एम का टेंजेंट लेना दैट यू ऑलरेडी नो आ हो गया एंड डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਥ ਜਿੱਥੋਂ ਦੋ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ਹੋਵੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖ ਲਓ ਪੁੱਤਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨੋਰਮਲ ਨੋਰਮਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਨੋਰਮਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ 'ਤੇ ਤੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ x1, y1 ठीक है किसी पॉइंट एक्स वन वाई वन से नॉर्मल दी इक्वेशन आ तो एलिप्स की होंगी है किसी पॉइंट एक्स वन वाई वन से एक्स माइनस एक्स वन बाय एक्स वन टाइम्स ए स्क्वायर एंड वाई माइनस वाई वन बाय वाई वन टाइम्स हाँ जी बी स्क्वायर की करिए बी स्क्वायर जगह माइनस बी स्क्वायर आ सिंपल तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट एक्स वन कमा वाई वन तो अगर पॉइंट पता हो कोई यू नो 2, 3, 4, 5 वट एवर तो इतने एक्स वन रख्या इतने वाई वन ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर थानू हाइपरबोला की इक्वेशन तो आ जाने हैं ठीक है तो इतने ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर रख के तुहाडे कोल नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी एट एनी पॉइंट एक्स वन वाई वन ठीक है सैकेंड विच इज़ ऑलसो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट द पॉइंट हाँ जी किड़ा थीटा वेरी गुड तो एट द पॉइंट ए सीकेंड थीटा कमा बी टैन थीटा तो इस पॉइंट से तो अगेन इन्हों दो तरीके ना ड्राइव कर सकते हैं या तो इतने एक्स वन नू पुट कर दो ए सीकेंट थीटा वाई वन बी टेन थीटा तो सॉल्व कर लो गल खत्म या थीटा पॉइंट से टेंजेंट की क्वेश्चन तुम्हें पता है नॉर्मल की होंगे लाइन जी टेंजेंट दे परपेंडिकुलर हो तो तुम्हें पॉइंट भी पता है आ वाला और स्लोप आ गई थोड़े को टेंजेंट की इक्वेजन तो नॉर्मल की इक्वेजन तुम ड्राइव कर सकते हो तो जी इक्वेजन आऊगी थोड़े को पुत्र वो याद रखियो ए सीकेंट थीटा एंड बी टैन थीटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा विल कम आउट टू बी ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा
equal to a square plus b square. That is the equation of normal at any point theta. Is that clear? ठीक है, तो थानू चेते होने चाहिए इक्वेशन है ना टेंजेंट नॉर्मल दी इदा। मैं एक बार क्विकली ना आसी लिप्स नाल मैं इक्वेशन लिख देना, नाले मैं थानू गल दस के याद करा देना। वे बैक 2004 बैच स्टूडेंट सेगा एक, उस वेले सब्जेक्टिव हुंदा सी पुत्र, क्वेश्चन पेपर दा क्वेश्चन सारे सब्जेक्टिव हुंदे सी, ते उन्हें पहली बार पेपर होया ते क्वेश्चन आया सी टेंजेंट टू एलिप्स सब्जेक्टिव, शायद मैं लास्ट क्लास च लास्ट लैक्चर च कराया हुआ सी। तो टेंजेंट टू एलिप्स दी इक्वेशन हुंदी की है? हाँ जी, इफ यू रिमेंबर नाल नाल बोलो ते नाल याद करो। हाँ जी, कहना एक्स कॉस थीटा बाय ए एलिप्स दे च, है ना, एलिप्स मतलब स्टैंडर्ड है। वाई साइन थीटा बाय बी, मैं भी गलत लिखने लगा जी, वाई साइन थीटा बाय बी इक्वल टू वन। ठीक है, और नॉर्मल दी इक्वेशन की होंगी है पुत्र एलिप्स नू, ए एक्स सीकेंट थीटा माइनस बी वाई को सीकेंट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड दैट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड हाइपरबोला। टेंजेंट दी इक्वेशन गल मेरी हले विच हैगी, मैं थोड़ा मैं पूरी करना, मैं इक्वेशन लिख ला। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज एक्स सीकेंट थीटा बाय ए, ठीक है, माइनस वाई टेन थीटा बाय बी इक्वल टू वन, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला इज, हाँ जी, ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहली बार पेपर होया उहदा IIT 2004 बैच, ते क्वेश्चन आया टेंजेंट टू एलिप्स, ते ओ टेंजेंट टू हाइपरबोला वाली इक्वेशन ले आया जवान। ठीक है, वाज ए गुड स्टूडेंट, रैंक कुछ मैंने याद है 4000 के करीब रैंक से वह, चलो ड्रॉप किया उन्हें अगले साल, है ना, सारा साल मेहनत भी की बड़ा अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा भी नहीं हूँ गलती ना करनी, नहीं सर हूँ नहीं गलती करनी। अगले साल क्वेश्चन आ गया नॉर्मल टू एलिप्स का, तो वो नॉर्मल टू हाइपरबोला की इक्वेशन ले, और व्हाट आई एम जिहड़ा मेन ट्विस्ट है वो ये है कि ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड ही इवेंचुअली क्रैक्ड IIT 900 समथिंग रैंक के ना होता। अगले साल IIT क्वालीफाई भी हुआ, कैन मैंने ना याद है पुनीत लखनपाल नाम हुंदा सी। ठीक है, तो IIT क्वालीफाई कर गया, मतलब कि तुसीं सोच के देखो कि प्रैशर थोड़ा जिहा समटाइम IIT क्वालीफाई किया, तो मतलब यू कैन अंडरस्टैंड के एक अपना लैवल मेनटेन किया उन्हें अपना, है ना, मेहनत करके बनाया सी। तो फिर भी अगर यहोजी गलती हुई है तो मतलब रियल टाइम च कितना कि एक कन्फ्यूजन हो जाता है, एक गलती होने के चांसिस जरूर होंगे, बच्चा जिन्ना मर्जी अच्छा हो गया, राइट। सो वट आई मीन टू से ये गल्लां जिहड़ियां मैं कहना ना एम्फसाइज करके कि आह इक्वेशन याद होवे चेते रहे तो वह भुलनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ईजली 5-6 नंबर अपने ऐड करके होर 900 समथिंग रैंक, तो 3 figure रैंक सेगा तो बता सकता सी। ठीक है, तो ये मिसटेक्स होनी है पुत्र रियल टाइम सारे दिन होनी है। ठीक है, बट इन्ना कि जिन्ना आप फोकस कंपोज होकर मतलब फालतू चीज़ा मैमोरी च अननेसैसरी बिठाई हैं, बट जिड़िया बिठाने कही गई वो जरूर बिठाई हैं। ठीक है, सो ये थोड़े को हो गया बेटे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो आप हम नेक्स्ट करते हैं इन्हों बेस।